रूपनगर अते श्री आनंदपुर साहब दे इलाकयां विच पिछले साल पए मीह कारण वड्डे पद्धर ते आए हड़ां ने भारी तबाही मचाई सी। दरिया दे चढ़ जाण कारण अनेकां पिंडां विच कई कई फुट पानी भर गया सी अते हालात आम वर्गे होण नूं कई महीने लगे सी। जिस तों बाद हुण आउण वाले मीह दे मौसम नूं देखदिआं जिला प्रशासन ने पहलां तों ही तैयारियां आरंभ दित्तियां ने। रूपनगर तों डिप्टी कमिश्नर सोनाली गिरी वल्लों अज सतलुज दरिया नेड़े वसदे कई पिंडां दा दौरा कीता गया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कोरोना अते लॉकडाउन कारण दरियावां नेड़े कंडे बनण अते क्रेट आदि बनाउण दा कम बंद हो गया सी, जिस नूं कि हुण मुड़ तों चालू कर दिता गया अते मीह दा मौसम आउण तों पहलां पहलां कम नूं मुकम्मल कर लिया जाएगा। हैगी इशूज़ क्योंकि पिछले साल हड़ आने कारण जो पिछले सालों के दौरान भी जो फ्लड प्रोटेक्शन वर्क हुआ सीगा उसनू भी काफ़ी नुकसान पहुँचा सी। लेकिन मौके ते जो समय की घाट करके जिवें हैगा जो भी बेस्ट पॉसिबल वे है जिवें अस्टड हैगा रिवर्टमेंट वॉल वगैरह लानी हैगी वो असी करन दी कोशिश कर रहे हैं। इन्हां दे वल्लों दस्सिया गया है कि स्टड दे नाल नाल रिवर्टमेंट वॉल बहुत जरूरी है, वो भी असी एस्टीमेट दे विच इनकलूड करांगे ताकि जो इन्हां नूं मुश्किल आ रही हैगी ज़्यादा कटान वगैरह दी वो भी थोड़ा सा इसनों टैकल किया जा सके। पूरे ही एरिया दे विच जिद्दे भी सेंसिटिव ते क्रोनिक फ्लड वाले प्रोन एरियाज़ ने उन्हां दा सारियां दा दौरा किया जा रहा है। सारियां दे काम मेजरली शुरू हो गए ने, अधिकतर काम जिथे नहीं होएगा विदिन नेक्स्ट टू डेज़ लेकिन जैसे इतने दे हैगा वो भी शुरू करवा लाँगे तो इसकी वीकली मॉनिटरिंग रखी जाएगी। मैम कितने कितने देखने को मिलता है जो जिमें बरसात का मौसम आने वाला होता है जी 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 उस टाइम जो प्रशासन हरकत जाता बाकी समा क्यों नहीं है? नहीं इस साल तो मैं नहीं कह सकती इदा का सगा क्योंकि फरवरी के एस्टीमेट वगैरह पास हो गए थे, मार्च के ना दे कोल फ्लड फंड भी आ गए थे। इस साल करोना महामारी के दौरान क्योंकि 15 मई तो बाद तो पहला सारे काम बंद सके, सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वगैरह बंद सगिया, इस करके थोड़ा सा जरूर इफेक्ट पिया है। तो नाउ दे हैव गॉट ऑल दे टेंडर वगैरह इन प्लेस, इस वजह से असी थोड़ा फास्ट भी इसनों कराने की कोशिश कर रहे हैं तो जो क्रिटिकल एरियाज हैं उन्होंने पहले टैकल करने की कोशिश। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर सोनाली गिरी ने भी मनिया कि हड़ आउण अते दरिया विच पाड़ पैण दा कारण नजायज तौर पर चल रही माइनिंग है। इस दे नाल ही डिप्टी कमिश्नर सोनाली गिरी ने दरिया कारण हड़ी जमीन का मुआवजा किसानों नूं दबाउण लई सरकार नूं लिख के भेजण का भरोसा भी दवाया है। मैम कितने ना कितने जी नजायज़ माइनिंग चल रही है, आप बड़े दरिया पुल की गल करिए उत्थे माइनिंग चल रही है बड़े पद्धर से, कि वह कारण ही है सतलुज दरिया जो पहाड़ पैंदे माइनिंग कुड बी वन ऑफ द रीजनस, लेकिन ये नहीं कह सकते माइनिंग कला एक रीजन है क्योंकि दरिया का जिवें कहते हैं जो जो उसकी खुद की डायरेक्शन है वो इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लो ऑफ वाटर किवें किवें चल रहा है उस हिसाब से। पिछली बार बहुत ज़्यादा एकदम से फ्लो आ गया सीगा ताइंग करके बनिया हैगा, इस साल थोड़ा सा मैनू लगता हैगा कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल इस करके हैगी क्योंकि इन्होंने पहले तो ही थोड़ा थोड़ा करके अपना रिजर्वोअर खाली करना चालू कर दिता हैगा जिस करके पानी का जिहड़ा लेवल हैगा वो हौले हौले करके आगे ही उसका बहाव चल रहा है। मैम चंगर का इलाका हैगा जिहड़े हर साल लोग जिहड़े आ सतलुज दरिया के किनारे मैडम आ जाते हैं जी, इरीगेशन प्रोजेक्ट भी चल रहा है चंगर दे विच ओ हुण थोड़ा रुकिया वा कि उहदे बारे की नॉलेज हैगा? उसका भी असी रिव्यू रख लिया सीगा पिछले हफ्ते साडी मीटिंग हुई सी, नाउ वी आर ऑलसो टेकिंग अप इन जिहड़ी अपनी वीकली रिव्यू मीटिंग्स होंदी हैगी, वो भी काम जिहड़ा हैगा उसके विच कोई एनओ सीधा इशू सीगा वो जल्दी कंप्लीट करवा के वो भी काम शुरू होना है। मैडम कि जी हम दरिया के किसानों की जमीन जी हड़ गई है इन्होंने मुआवजे बारे भी कुछ प्रशासन कुछ सोचेगा जी? जो मुआवजा सेगा मेजरली वो मुआवजा खराबे का सेगा तो साथ में जिन्हों कोई जानी माली नुकसान मौके पर हुआ सेगा, जो किसान की जमीन जी कटान दे विच आ गई हैगी असी कोशिश कर रहे हैं कि इन्हों कुछ ना कुछ इसका कुछ बकाया या कुछ राशि मिल जाए, लेकिन हाल की घड़ी के साडे कोल अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन असी सरकार नूं लिख रहे भेज रहे हैं। दस दिए कि पिछले साल भाखड़ा डैम तो सतलुज दरिया छड़े पानी अते पए भारी मीह कारण दरिया नेड़े लगते पिंड जमीनों वड्डे पद्धर ते खार लगी सी, जिस नाल किसानां दीआं जमीनां सतलुज दरिया की भेट चढ़ गई सन। इस तों बाद इलाका वासियों वल्लों पंजाब सरकार अते जिला प्रशासन नूं गुहार लगाई गई सी कि समा रहिंदिआं उन्हां दी सार लई जावे ता जो दिनों दिन सतलुज दरिया की भेट चढ़ रही उन्हां दी जमीन बचाई जा सके। इस दे नाल ही इन्हां पिंडां विच मुड़ तों मीह अते मौसम नूं देखदिआं हड़ दा खतरा भी बणिआ होइआ है, जिस कारण इस बार प्रशासन पहलां तों ही चुकन्ना हो गया। श्री आनंदपुर साहब तों बुद्ध सिंह राणा
ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।